विराट पावर है देखिए। हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसे अभी हम आप पहुंचे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग अभी सुबह को 5 बज रहे हैं और हमारे ही विलेज एरिया है। और जैसे इस घर में बहुत ही हाल ही में सांप अपने भोजन के तलाश में प्रवेश कर चुका है और सांप जो है बहुत ही हाल ही में जैसे कि हम लोग के यहाँ के भाषा में खरीस के नाम से जानते हैं वही सांप घुसा है। और घुसने के बाद फौरन अभी हमको घर वालों ने कॉल किया, देखिए हम सही समय पर आए हैं और सांप इस जगह में जैसे अभी तो आप देखें पूरा रेस्क्यू करने के बाद यहाँ पे सांप छुपा हुआ है। और काफी गर्मी है और गर्मी के कारण जैसे अपने भोजन के तलाश में आए दिन सांप घर की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह से घर को साफ सफाई रखना बहुत ही जरूरी है। और जैसे ये घर में आने का मकसद चूहा खाने के लिए, इतना ही जैसे कि घर में कूड़ा करकट रखा हुआ है इस कारण चूहा है और वही चूहा खाने के लिए ये सांप घुसा हुआ है। तो घर को साफ सफाई रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पे सांप घुसा हुआ है इस जगह में, लीजिए इसको। सांप जैसे हम लोग यहाँ के भाषा में खरीस नाग गिहवन एक ही नाम से जानते हैं और इसका साइंटिफिक नाम है ना जाना जाए। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, देखिए किस तरह से सांप को मैं रेस्क्यू करता हूँ और फिर पुनर्वास के लिए जंगल में इसको रिलीज भी करते हैं। देखिए कितना ही फुर्तीला ये नाग है और ये जो है काफी ज्यादा ये सांप बाइट करने के लिए उग्र रूप ले चुका है क्योंकि ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है, मीडियम साइज का है। और इस तरह से सांप अगर नहीं देखने के कारण अगर बाइट कर ले तो फौरन आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सहारा लेना है, कोई भी झाड़ फूक जड़ी बूटी काम नहीं करेगा। चलिए बाहर
तो देखिए सांप जो है बहुत ही हाली बने हुए सांप इस घर से जैसे कि बहुत ही मशक्कत के बाद निकाले गए, और इस तरह से घर को साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। तो अभी इसको ले जाके फॉरेस्ट में पुनर्वास के लिए इसको रिलीज भी करेंगे। तो इस तरह से आपको कहीं भी जीव जंतु से दिक्कत होने से आप कॉल करके जीव को बचा सकते हैं।